सो भाई आ गई है रिवर क्रॉसिंग। सो भाई आज की फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग। होय होय एक्चुअली गाड़ी फंस गई है पीछे, दोनों पैर चले गए हैं। एक्चुअली मेरा डिसीजन गलत था इस साइड चलाने का, लग रहा ये साइलेंसर में घुस गया पानी। ओए 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 भाई ये देखो पूरा पानी घुस गया। पानी घुस गया जूतों में, खतरनाक है। यहाँ से थी वाटर क्रॉसिंग और ये जगह तो बढ़िया है कैंपिंग के लिए, इधर ही देखता हूँ कहीं लगाने का बढ़िया। सो यार फ्रेंड फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं इस प्यारी सी लोकेशन पर, चारों तरफ देख सकते हैं। सिर्फ ये हुआ कि वाटर क्रॉसिंग कर रहा था ना तो वो धस बड़ी गाड़ी, तो पूरे जूते भीग चुके हैं। और अभी एक फॉरेस्ट वाले अंकल आए थे, मैंने उनसे पूछा तो था कि मैं इधर कैंपिंग कर लूँ, पहले तो मना कर रहे थे कि वाइल्ड लाइफ एरिया है और वगैरह वगैरह, उसके बाद कर बोल रहे थे कि बना लो वीडियो, लेकिन किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और बाकी आप लोग देख सकते हैं प्यारी सी नदी है भाई चारों तरफ, ये देखिए आप इधर भी नदी है, चारों तरफ नदी देखिए आप भाई। ये सूर्या देवी वाला ही फॉरेस्ट है, पहले भी आप लोगों ने इधर की वीडियो देखी है, लेकिन कैंपिंग वाला एक्सपीरियंस कुछ नया होने वाला है इधर पे रिवर साइड। सो फटाफट मैं अपने जूते उते सुखाता हूँ और उसके बाद थोड़ा तैयारी वारी करते हैं मज़े से। तो यार गाइस इधर रखता हूँ बैग और यहीं आसपास लगाता हूँ अपना कैंप, क्योंकि नीचे ना ऐसी जगह थी, बताता हूँ पास में आके। सो यार गाइस ना नीचे वाली जो लोकेशन थी ना वहाँ पर लोग आ जा रहे थे और फॉरेस्ट वाले बोल रहे थे कि कोई तुम्हारे साथ रुकेगा तो फिर वो कुछ ऑब्जेक्शन ना गिरे, इसलिए मैं थोड़ा सा मंदिर से ऊपर आके इधर एकांत में आया हूँ और इधर मैं करता हूँ आज कैंपिंग। तो ठीक है इधर पर लगाता हूँ मैं कैंप। सो यार गाइस ना अभी धूप भी लग रही है आपको, पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही, और धूप भी तेज पड़ रही है, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट चलो लगाते हैं हम सेटअप अपना फटाफट। ठीक है ये संभाल के रखने पड़ते हैं ना, बांधने के बाद में काम भी आते हैं। फ्रेंड फाइनली अपना टेंट लग चुका है और मैं इसके ऊपर वो नहीं डालने वाला हूँ, क्या कहते हैं वाटरप्रूफ वाली सीट, क्योंकि मुझे जल्दी ही उतार देना है और आज तो बढ़िया धूप भी है तो उसको डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा सेटअप फ़िलहाल लग चुका है और मैं फटाफट सामान अंदर रखता हूँ। और एक तो मेरे ना पूरे जूते भीग रखे हैं, बेकार हो रखे हैं, और सामने मेरी रिवर है, पीछे भी है, यहाँ पर भी है, बहुत बढ़िया। भाई जूते ना बिल्कुल, ये देख रहे हो सॉक्स भी ऐसे हो गए, जूते भी ऐसे हो गए, तो इनको मैं अभी धो के ना सुखाने रख दूँगा क्योंकि तभी काम चलेगा। हाँ बिल्कुल मस्त एकदम बढ़िया। सो यार फ्रेंड और
आज बहुत दिनों बाद हमारा इन सब चीज़ों का यूज होने वाला है। स्टोव बहुत टाइम हो गया मतलब यूज नहीं करे हुए, तो आज यूज होगा इन चीज़ों का, है ना। ये अपना स्टोव और सामान तो बहुत है, पता नहीं रखा किधर है बैग में। और ये अपना डिनर सेट, ठीक है, कुकिंग सेट बोल सकते हैं, डिनर सेट क्या हुआ, कुकिंग सेट बोलिए, है ना। ये है, इसकी ज़रूरत है फ़िलहाल मुझे। और फिलहाल मेरे पास बोतल भी है पानी के लिए। और वन मोर चीज मैं आपको बताता हूँ ना, ये मैंने ऑनलाइन बाई करा हुआ था 10 लीटर का वाटर कैन, तो आज मैं इसे यूज करने वाला हूँ। और ठीक है, ये कूड़ा सब बैग में डाल देता हूँ क्योंकि तो यहाँ फेंक के नहीं जाऊँगा, अच्छी जगह है, तो यहाँ पर कूड़ा करकट करना गंदी बात है। और अपना टेंट सामने लगा हुआ है, ये रिवर है, सो इधर से भरते पानी, क्योंकि इसमें भरने के लिए ना थोड़ा धारा जैसा चाहिए, तो इधर से पानी भर लेते हैं मस्त करके। ये इस तरीके से इसमें पानी आ जाएगा, तो इसको पहले मैं धो लेता हूँ थोड़ा सा। सो यार फाइनली अपना इतना पानी भर चुका है और ये बहुत है मेरे लिए आज, ठीक है। आप देख सकते हैं सामने पानी और इधर अपना कैंप, मस्त है यार। और पानी की छूट कम आवाज है, मतलब पीछे बड़ी नदी पीछे है, वहां पे कैंप लगाने का था नहीं। इस साइड भी है, मतलब दो भागों में बटी हुई है, तो मैंने सोचा इधर ही कर लूं, है ना, बढ़िया है। तो ब्लैक कॉफी मिल गई है, आज पियेंगे ब्लैक कॉफी बहुत दिनों बाद कैंपिंग में। और सारा सामान अपना, एक गैस का केन, इसको लगाने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है बस, नहीं लगा नहीं। अब लगा, इसको लगाने में ना सबसे बड़ा दिक्कत है, एक्चुअली ना मेरा सामान एक तो बहुत है, थोड़ा सा अपने को ये चॉपिंग बोर्ड निकालना पड़ेगा थोड़ा सा लेवल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है ना पत्थर है, उसे ये सही जगह मिल गई, तो थोड़ा सा अब सही जगह मिली। ये देख रहे हो अपना भाड़े बर्तन, अपने बर्तन है मस्त करके, हैं सही है बिल्कुल। ये पानी का केन मस्त, तो थोड़ा सा सेफ्टी से निकालना पड़ेगा पानी, थोड़ा पानी उकर के फेंक देते हैं, बस इनफ, बहुत है। अच्छी चीज है, फोल्ड करके बैग में आ जाती है और वैसे ही ये हो जाता है। तो अपना इस गैस को थोड़ा सीधा कर लेते हैं ना, सोल्टी साइड से रखेंगे अपने पास। ये जल चुका बढ़िया। सो गाइस फाइनली ब्लैक कॉफी रेडी, ये मस्त। सो यार ब्लैक कॉफी रेडी हो चुकी है और चारों तरफ के नज़ारे कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइए।
देख लीजिए, ये है चारों तरफ और इधर है अपना कैंप और ये रिवर। वैसे जानवरों के ना बहुत सारे निशान हैं यहाँ पे, पानी पीने आते होंगे, देख सकते हैं आप लोग। ये देखो चारों तरफ से हिल्स और ये अपना आसियाना। सो यार ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ मज़े से पत्थर पे बैठ के बढ़िया करके। सो फ्रेंड, मतलब ना 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला, और अभी मैं इसके बाद मैगी बनाऊंगा और इस सुंदर सी जगह में आओ और मैगी ना खाओ तो बात ही नहीं है। तो ठीक है, मैगी बनाता हूँ मस्त करके और 4 o'clock में यहाँ से निकल लूँगा, क्योंकि जंगल का रास्ता है, रास्ता भी थोड़ा ख़राब है। तो फिलहाल मैगी बनाता हूँ। सो यार फ्रेंड, मैगी बन रही है बढ़िया वाली, बढ़िया पकाएंगे इसको बढ़िया करके। ठीक है, कच्ची मैगी नहीं खाएंगे, हाफ डन वाली बढ़िया करके पकेगी और इसका पानी बिल्कुल सूखने देंगे, उसके बाद खाएंगे इसको। सो यार गाइस, आप लोग देख सकते हैं रिवर है और ये अपनी मैगी। तो मैगी रेडी है, मैगी खाते हैं मज़े से। ठीक है, मतलब इधर आके ना सुकून मिल रहा है यार, एक अलग सा ही सुकून है। और वैसे भी आप लोग सपोर्ट थोड़ी बहुत कर रहे हो ना, थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट कर देना भाई को, ठीक है नहीं, ताकि आप और क्या बोलते हैं नेक्स्ट लेवल के ब्लॉग देखो और जगह घूमने जाऊं। ठीक है, क्योंकि जॉब के साथ ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है और जितना मैं कर रहा हूँ ना मैक्स टू मैक्स अपनी पावर लगा के कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देना और मैं मैगी खाता हूँ। अब इन हसीन सी वादियों को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है, नीचे मेरी बाइक खड़ी है, सबसे पहले बाइक के ऊपर पहुँचते हैं। ठीक है, पूरी नदी नदी पूरे जानवरों के खोज हो रखे भाई, इधर हर तरफ ना जानवरों के खोज हैं तगड़े वाले।
सो निकलते हैं यार यहाँ से अब। और देख लो झाड़ियाँ देखना अभी, ये देखो है ना झाड़ियाँ खतरनाक। चलो सो यार फ्रेंड ये वो जगह है जहाँ से अब मुझे निकलना है, ठीक है। रोड बहुत गंदी गंदी है यार नीचे को ना, तो फिलहाल निकलते हैं। भोलेनाथ सबके साथ बोलो हर हर महादेव।